कैसे हो आप सब? तो गाइस, मेरा नाम रवि है और ये वीडियो इंटरेस्टेड होने वाली है। ये Q&A का सेकंड पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो उनके रिक्वेस्ट आ रही थी, बोले थे कि आपने सेकंड पार्ट हमारे कुछ सेकंड पार्ट बनाओ, हमारे कुछ आपने क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि मैं कुछों के क्वेश्चंस नहीं ले पाया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए ये वीडियो मैंने सेकंड पार्ट बनाने की सोचा है। तो वीडियो इंटरेस्टेड होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट। तो गाइस, कल टैब मैंने साइड पर रखा था, तो मैं आज टैब को हाथ में लेके क्वेश्चंस देखने वाला हूँ, ठीक है? तो गाइस, पहला क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है हिमांशु खान का। वो बोल रहे हैं कि भाई, आपने यूट्यूब चैनल का नेम FOBJSO क्यों रखा? तो भाई, FOBJSO मैंने जब YouTube बनाया था चैनल, तो समझ में नहीं आ रहा था कि नाम क्या नाम रखूं उसका। तो समझ में नहीं आया क्या नाम रखूं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद तक मैं सोचता रहा कि क्या नाम रखूं। मेरे कई नाम भी रखे बट मेरे को नाम अच्छा नहीं लगा। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, एक ऐसा नाम रखा जाए जो कभी किसी का कोई नहीं। तो फिर मैंने FOBJSO ब्लॉग के नाम से एक अपना बना लिया। ठीक है, मलिक का वो बोल रहे कि भाई, आप हमारे मैसेज को सीन क्यों नहीं करते? तो भाई, मैं आपको बता दूं कि मैसेज सीन में सबके करता हूँ। कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो इतना मैसेज आ जाए ना, नियम तो मैं मैसेज सीन नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुमित मलिक का। वो बोल रहे हैं कि भाई, अभी कोई सेटिंग है? तो मैं उन भाई को बता दूं कि फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला और कुछ हालात और कंडीशन की वजह से मैं इंटरेस्ट भी नहीं हूँ इन चीजों में, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही ये दौर चल रहा है, बट क्योंकि पढ़ाई और टाइम ही नहीं मिल पाता इन चीजों के लिए, और ना ही कभी मैंने इनके बारे में सोचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद ठाकुर का। वो बोल रहे हैं कि भाई, आप ऐसे ही मेहनत करो, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो भाई, बस सपोर्ट चाहिए आपका और एक सब्सक्राइब और लाइक, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपका सपोर्ट रहेगा तो ही कुछ हो पाएगा, ठीक है गाइस? तो प्लीज वीडियो को शेयर करना जरूर, ठीक है? आई थिंक मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं न्यू हूँ, तो मेरे को धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही मैं सीख जाऊंगा किस तरीके की कंटेंट रखने, वीडियो में किस तरीके से क्या करना है, ठीक है गाइस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसीम खान का। बोल रहे हैं कि आप यूट्यूब पर काम क्यों करना चाहते हो? तो मैं आपको वसीम खान को बताना चाहता हूँ कि भाई, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से काम तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाम बोलने के लिए तो आसान है कि यूट्यूब चैनल बना लो, वीडियो अपलोड कर दो। भाई, इतना आसान भी नहीं है कि यूट्यूब चैनल बना लो और उसके बाद वीडियो अपलोड करो। बहुत मेहनत चाहिए। पहले 70% यूट्यूब बोलता है कि तुम्हारा खुद का कंटेंट होना चाहिए। अगर तुम्हारा खुद का कंटेंट ही नहीं है तो उस पर तुम्हारा कुछ व्यू या लाइक कुछ भी नहीं आएगा। जब तक लोगों को तुम्हारा कॉन्टेंट पसंद ही नहीं आएगा तो तुम्हारा कोई लाइक नहीं करने वाला। तो अगर उस 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम, गाइस 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत होता है। तो भाई, यूट्यूब पर सोच रहा हूं कि अगर सपोर्ट मिला तो शायद मैं आगे को भी इसी पर प्रयास करूंगा कि आगे को भी मैं बनाऊं वीडियोस, क्योंकि अगर जब आपका सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो फिर मेरा फायदा ही क्या बनाने का, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 3 घंटे तो वेस्ट होती हैं,
एडिटिंग करो, 70% एडिटिंग में टाइम लगता है, फिर उसके बाद वीडियो को अपलोड भी करना है, डेटा भी चाहिए, तो पहले तो चैनल को मोनेटाइज हो जाए यही बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, इतना आसान नहीं। तो गाइस सोच रहा हूँ कि अगर आपका सपोर्ट रहा तो शायद 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत कम, मेरे लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम ज्यादा नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। मैं इसको क्योंकि मेरा खुद का कंटेंट है, जो मेरा रियल है, मेरे रियल वॉइस है, मेरी रियल फेस है, मैं अपना सब कुछ डालता हूँ। तो गाइस इस चैनल पर न्यू वीडियो ब्लॉग्स आएंगे जो आगे जाके बहुत इंटरेस्टेड एडिटिंग होने वाली है। फिलहाल तो अभी जैसे तैसे काम चलानी पड़ रही है, बट नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे ना ब्लॉग्स, वो ब्लॉग्स इतने खतरनाक ब्लॉग्स होंगे कि मजा आ जाएगा देखने में। फिलहाल तो ऐसा ही है एडिटिंग का। चलो नेक्स्ट, तो गाइस मैं वसीम खान को बताना चाहता हूँ भाई को कि मैं यूट्यूब पर काम करना चाहता हूँ, अपना एक फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर किसी की किस्मत बदल सकती है अगर मेहनत करे, अगर उसकी मेहनत रही तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि लाखों लोगों का ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ बदल सकता है, पर उस बदलने के लिए वो मेहनत तक जाना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये चैनल मोनेटाइज ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट उस तक कंटिन्यू डेली वीडियोस लाना, उनको एडिटिंग करना, कभी कभी तो जब लाइक और व्यूज नहीं आते ना तो मन टूट जाता है कि छोड़ो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट कंटिन्यू लगा रहना है आपको, कंटिन्यू तैयारी करनी है। कोई बात नहीं, अगर आज नहीं है तो कल नहीं है तो परसों, एक दिन ना एक दिन तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित का है। सुमित बोल रहे हैं कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्या आप हमको सपोर्ट करोगे? अरे भाई बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि आप हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यूट्यूब खोल लिया कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, भाई मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा, बेचिंता रहो उसके लिए, जितना सपोर्ट हो सकेगा ना मैं उतना सपोर्ट करूंगा। तो मेरा अभी वॉच टाइम 4000 घंटे कंप्लीट होने वाला है और बनके सब्सक्राइब भी बहुत जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसकी टेंशन ना लो, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श का। वो बोल रहे हैं कि भाई आप नवेड़ा का ब्लॉग कब बनाओगे? तो आदर्श भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि नवेड़ा का ब्लॉग भाई जल्द ही आएगा, टेंशन मत लो। नवेड़ा में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे वहां के लोग हैं, कैसी कैसी वहां की कंपनियां हैं, कैसे वहां पे एरिया है, दिखाने के लायक, मतलब कुछ चीजें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत जल्द ही नवेड़ा का ब्लॉग आएगा, ठीक है गाइस, टेंशन मत लो, आदर्श भाई टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तुषार का। बोले कि तुषार भाई बोल रहे हैं कि भाई आप लाल किले का ब्लॉग कब लेकर आओगे? तो गाइस लाल किले, चलो ठीक है मैं देखता हूँ टाइम मिल तो, ठीक है टेंशन मत लो, लाल किले का ब्लॉग आ जाएगा, ब्लॉग भी बहुत अच्छे तरीके से मैं शूट करूंगा उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमंत मलिक। हेमंत मलिक बोल रहे हैं कि भाई आपका सब कुछ ठीक है, आपको वॉइस और एडिटिंग में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो भाई मैं बिल्कुल मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा ब्लॉग आपको एडिटिंग करके दिया जाए, ठीक है। तो मेरा जैसे आपने बताया कि वॉइस और एडिटिंग, ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि वॉइस और एडिटिंग अच्छे से मैं कर पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानसू शंकर बोल रहे हैं कि भाई आप मेहनत करो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो भाई तो मुझे आपका ही सपोर्ट चाहिए लिटरली, क्योंकि आप ही सब कुछ हो, क्योंकि YouTube फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली होती है अपने आप में,
तो ठीक है मुझे गाइस आपका ही सपोर्ट चाहिए उसमें, ठीक है, क्योंकि आपका ही सपोर्ट नहीं रहेगा उसमें तो गाइस मैं क्या कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को अगर कोई नया विजिट कर रहा हो, देख रहा हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर दिन एक ऐसा नहीं होता, हर दिन एक सा नहीं होता, ठीक है। टाइम तो लगता है पर धीरे धीरे सब चेंज हो जाता है, ठीक है गाइस। कुमार भाई बोल रहे हैं कि भाई आप अपने घर जाओगे तो धनकोर का ब्लॉग कब बनाओगे? तो भाई जब मैं घर जाऊंगा तो दिखा दूंगा कि धनकोर का ब्लॉग, धनकोर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, आपको तो मैं अपने घर का ब्लॉग बना के आपको दे दूंगा धनकोर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं शाहरुख मलिक का। शाहरुख मलिक बोल रहे हैं कि भाई आप यूट्यूब पर वीडियो तो डालते हो बट टाइम से डाला करो। तो भाई टाइम से ही वीडियो आएगी, क्योंकि अभी कुछ ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से और कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है तो वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, बट नेक्स्ट टाइम पर ही सब कुछ होगा, ठीक है गाइस। तो उसकी चिंता मत करो, सब कुछ टाइम पे ही मैं ला के दूंगा वीडियोस, ब्लॉग्स। अभी मेरा न्यू चैनल है तो मैं न्यू हूँ, तो मैं आगे सोच नए नए कॉन्टेंट देख रहा हूँ किस पर वीडियो बनाई जाए, किस तरीके से अपना कॉन्टेंट रखा जाए, और कुछ साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ती है तो गाइस टाइम का थोड़ा इश्यूज चल रहा है इस टाइम, बट कुछ तो करना पड़ेगा साथ, ठीक है। तो गाइस मैं मैनेज करता हूँ जो भी है। तो आई होप मेरे क्वेश्चंस बस इतने थे। तो मैंने एक कल क्यों एनी वीडियो मैंने एक कल अपलोड की थी और कुछ सेकंड पार्ट अब है। तो गाइस ये आपको कैसा लगा कि मुझे बताना कि वीडियो अराउंड में नाइट में कल नाइट में मैंने 10 बजे शूट किया था, ठीक है। ये मैंने कुछ लास्ट का पार्ट एडिटिंग में जोड़ दिया है एडिट करके। तो गाइस अब क्यों ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। मैं अभी न्यू ब्लॉगर हूं तो मेरे को क्या कंटेंट रखने चाहिए, मेरी क्या क्या मेरी कमियां हैं आप मेरे को बताएं, ताकि मैं अपने कंटेंट को अच्छा कर सकूं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकूं। तो गाइस आप मेरे को बताइए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग अब आएगा, टॉपिक्स में मेंशन कर दूंगा कि किस पर मैं बनाऊंगा, और आप मेरे को बताना कमेंट में कि किस पर ब्लॉग बनाया जाए, ठीक है गाइस। तो ये है मेरा क्यूएनए वीडियो का सेकंड पार्ट, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आपका ही सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा ऑडियंस आपको, मेरा सपोर्ट आपको, तो मैं आपसे ही बोल सकता हूँ। तो गाइस प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।